21 जून विश्व योगा दिवस का अवसर है जिसको हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2015 को विश्व योगा दिवस की शुरुआत की गई थी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो आज तक लगातार कंटिन्यू चलता जा रहा है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से योग दिवस मनाया जाता है। एक जगह ऐसी है दिल्ली में जहाँ पर पानी पे योगा मनाया जाता है, जी हाँ, योगा ऑन वाटर, जो सुनने में अलग लगता है, अद्भुत लगता है और देखने में भी अद्भुत लगता है। जाहिर सी बात है, जब योगा की बात करते हैं हम, योगा ऑन वाटर, तो पानी का जिक्र आता है और वो भी कोई नॉर्मल पानी नहीं, पूरी यमुना नदी के आंचल में। यहाँ नेशनल प्लेयर्स जो हर साल योगा करते हैं, यहाँ उनका ये सातवां संस्करण है, सातवां एडिशन है, वो लगातार 7 सालों से योगा करते आ रहे हैं। हमारे बीच मोरल हॉस्पिटल के श्री UK चौधरी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे विश्व योगा दिवस पे के सर, आज आपने यहाँ पर पानी पे योगा ऑन वाटर की परफॉर्मेंस देखी, तो सर उसके बारे में बताएं आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, न भूलने वाला अवसर है और जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेकर आए हैं और जिस प्रकार से पूरे देश ने उसमें सहयोग किया, और मुझे लगता है लगभग अब तो 150 के आसपास देश इसको सेलिब्रेट करते होंगे जी, तो मैं समझता हूँ कि कितनी बड़ी एक, जिसे कहते हैं, लोगों के अंदर एक्सेप्ट करने की उसको योगा को एक भावना दिखाई दी है यहाँ पर। और हमारा सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब कभी भी देश के किसी कार्यक्रम में या अंतर्राष्ट्रीय कोई कार्यक्रम जो देश जिसको सेलिब्रेट कर रहा हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री उसका आह्वान करते हैं, उसमें कभी भी पीछे नहीं रहा। तो मुझे पता लगा आज ही कि 7वीं बार उन्होंने पानी पर योगा किया है, तो हमारे लिए तो अविस्मरणीय है, एकदम जिसे कहते हैं चौंकाने वाला। जिस प्रकार से बच्चों ने परफॉर्म किया है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स कुछ हैं, राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं वाटर के, यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं ये, उसमें उन्होंने अपना एक नाम स्थापित किया है। तो मैं ये ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने अपने एक मुकाम बनाया यहाँ पर वाटर योगा करके, ईश्वर इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाए। और यमुना जो अपना सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब है यमुना के किनारे पर वजीराबाद के तट पर, उसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय नाम प्रदान करे, और ये देश के लिए एक, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों ने जो आज परफॉर्म किया है जी। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के कुछ बच्चे हैं, कुछ गर्ल्स हैं, जो लगातार यहाँ पर क्या कैनोइंग की और फिजिकल वर्कआउट की प्रैक्टिस करते हैं। आज योगा डे पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हम उनसे उनके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ उपासना शर्मा है, आपने आज योगा ऑन वाटर पर पार्टिसिपेट किया, ये आपका आई थिंक फर्स्ट चांस था जब आपने योगा किया है पानी पे, उससे पहले आपने पार्टिसिपेट किया था अलग अलग तरीके से, लैंड पे पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन ये अनुभव आपका एकदम अलग था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा आपको? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने जल पे ये योग किया तो अलग अलग प्रकार के योगा थे, जैसे कि चक्रासन, ताड़ासन, अन्यथा प्रकार के थे, जो कि सभी बच्चों ने सभी भूमिकाओं से निभाया। इससे जानकारी में बताया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, रक्तचाप हमारा बहुत अच्छा रहता है, पीड़ित रोगियों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं बोलना चाहूँगी कि सभी प्रकार के लोग करें इसको, जिससे कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ओके फाइन, हम आशा करते हैं कि आप हर साल इसको ज्वाइन करें और अपना उत्साहवर्धन करते हुए दूसरे बच्चों के लिए उत्साहवर्धन करें। हमारे साथ दिशा शर्मा जो यहीं पे खिलाड़ी हैं और क्या कैनो की भी प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की है अभी, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम योगा ऑन वाटर पे ज्वाइन किया है, तो अपना अनुभव बताएं पानी पे योगा करना कैसा लगा आपको? मैं ये कहना चाहूँगी जल पे योग करना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सभी को ये योग करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इससे बहुत ही प्रकार की बीमारियाँ भी दूर होती हैं,
रोग होते हैं जो श्वसन के होते हैं वो इस योग से दूर हो जाते हैं। तो ये सभी वृद्ध को और जितनी भी युवा पीढ़ी है उन्हें करना चाहिए और मैं यही कहना चाहूँगी। कुल मिला के जो लैंड पे योगा और पानी पे योगा अलग अलग परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो आपको इसमें पानी पे योगा करने का कोई कठिनाई तो नहीं आई या बैलेंस करने में? थोड़ा ये थोड़ा कठिन है, पर ये इतना भी कठिन नहीं कि कोई कर ना पाए, नहीं कर सकता। तो इसे जरूर करें सभी, जब भी आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। हाँ, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एक अलग अनुभव होता है कि पानी पे योगा देखने में तो अच्छा लगता है, करने में भी वो अच्छा लगता है। हमारे साथ क्लब के लिटिल गर्ल सिमरन है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने भी पानी पे योगा किया तो कैसा लगा आपको पानी में बैठे, ठंडे ठंडा गर्मी के टाइम पे पानी का जब मन में आता है तो एकदम मन प्रसन्नचित हो जाता है कि हाँ स्विमिंग करेंगे, पानी में मस्ती करेंगे, खुश रहेंगे। पानी में योगा करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमने फर्स्ट टाइम पानी में योगा किया। सभी लोग यहाँ जमीन पर योगा करते हैं बट हमने कुछ डिफरेंट किया, हमने यमुना नदी पर योगा किया। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। जूनियर खिलाड़ी दीपिका हमारे साथ है, दीपिका कैसा आपका अनुभव रहा? मेरे को पानी पे योगा करके बहुत अच्छा लगा, मैंने पानी पे पहली बार योगा किया था, वैसे तो मैं लैंड भी करती थी और हमारे कौशल सर ने हमें प्रैक्टिस कराई थी पहले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अर्ची 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 भी अलग अलग तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, बताएं अर्ची। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने पहली बार योगा किया पानी पे और मेरे को बहुत सही पल मेरे लिए बहुत खास है। गुड गुड गुड, और आगे भी मतलब हर साल पार्टिसिपेट करती रहेंगी? ठीक है, आप गुड़िया बताइए वर्तिका कैसा लगा पानी पे योगा? बहुत अच्छा लगा हमें, हम ये मेरा पहली बार था जब मैंने यहाँ पे किया, वरना हम लोग ग्राउंड पे ही करते थे। हमारे कौशल सर जी ने और एक और सर आए थे, मंजीत सर ने, मंजीत सर ने, हाँ उन लोगों ने बहुत मेहनत की हमारे साथ, हमें अच्छे से सिखाया और बहुत अच्छा था। तो ये सभी बच्चे जो है बेहद खुश हैं पानी पे योगा करके, क्योंकि योगा जमीन पे तो आपने लगातार देखा ही होगा, हर साल देखते हैं, वैसे भी हम देखते रहते हैं, लेकिन पानी पे योगा करने का एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये बच्चे इतना खुश हैं आज, और गर्मी के मौसम में पानी की बात हो और उसमें योगा करने का एक अलग ही अनुभव मिल जाए तो उस पर सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाती है। हमारे साथ दो ये सीनियर प्लेयर हैं, ये शशिकांत और बिट्टू, आप आए जरा आगे, शर्माएं ना और बताएं जो है आपने भी योगा में पार्टिसिपेट किया, कैसा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, आज हमने फर्स्ट टाइम पानी में योगा करा, नहीं तो एक्चुअली हम ग्राउंड पे करते हैं। हाँ। और हमारे तरफ से हमें हेल्प मिली थी कौशल सर की तरफ से, और मंजीत शेखावत सर हमारे कोच हैं और बहुत से चेयरमैन हैं यहाँ पर। हाँ। जो उसने हमारी सपोर्ट करी थी। ठीक है, कितने सालों से आप ये पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेट तो ये 7 साल हो गए थे करीब करते करते। ओके ओके, हैप्पी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हैप्पी क्या, ठीक है। तो ये अद्भुत योग आपने देखा, इसको अब हम वीडियो फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसमें आपको लगेगा कि वाकई में ये अलग परफॉर्मेंस थी। योगा ऑन वाटर एक ऐसी अद्भुत परफॉर्मेंस है, अद्भुत नज़ारा है जिसको आप देखकर आपका मन प्रसन्नचित हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि अगले साल हम फिर 21 जून को 2023 में फिर मिलेंगे और सब मिलकर योग करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हम कंटिन्यू, आज हमारा यहाँ ये ख़त्म नहीं होती हमारी यात्रा, हमारी यात्रा हर दिन जारी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ के बच्चे सुबह वर्कआउट करते हैं, शाम को वो वर्कआउट करते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो इनका अभ्यास निरंतर चलता रहता है। तो हम आशा करते हैं और इनके जो फ्यूचर की कामना करते हैं कि ये आगे बढ़ें और अपना वर्कआउट करता रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।